मतलब यदि आप चाहते हैं कि बेहतर रिजल्ट हो और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपके पास एक ही रास्ता है कि दोनों का परफॉर्मेंस आपके पास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर रिटन टेस्ट अच्छा जाएगा तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा ही जाएगा। उसमें नर्वस होने की बात होती नहीं है, क्योंकि पढ़ाना है जो आप बीएड में, क्योंकि बीएड बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत, मैं खुद बीएड किया हूँ और एक एक चीज़ को पढ़ा हूँ, और मेरे पास अभी 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं दरभंगा में अभी इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे को किस तरह से गाइड करना है, पढ़ाना है। और ये चीज़ कोई व्यक्ति जो चाहेगा बिना बीएड किए मैं जान लूँ, नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस होना अलग बात है, बीएड की डिग्री हमें यही बताती है बच्चे को एक्चुअल में पढ़ाना कैसे है। और ये मुझे बीएड करने के बाद, क्योंकि पढ़ा तो मैं तब भी रहा था, लेकिन बीएड करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। फिर कहता है नेक्स्ट KBS TGT। अब TGT का क्या कंडीशंस है? अब कह रहा है कि इन 2018-19 KBS हैज अनाउंस्ड टोटल इतना, मतलब से सीट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT, वैकेंसीज फॉर द सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज, फिजिक्स, हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द KBS TGT रिक्वायरमेंट इन डिटेल। अब इसमें डिटेल में जानकारी आप पा सकते हैं कि आप जैसे देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि KBS TGT के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, 10 नंबर का, आपको इसमें 2 घंटा आपको 30 मिनट मिलेंगे। जनरल हिंदी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल नॉलेज करंट अफेयर, इससे आपको 40 40 क्वेश्चन, 40 40 नहीं बल्कि 40 क्वेश्चन रहेंगे मिला करके, जनरल नॉलेज यानी कि जीके से, और करंट अफेयर जो आता है न्यूज़पेपर वगैरह उस तरह से। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, ये भी आपको 40 नंबर के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी 10 नंबर का पूछेगा आपको, और पैडागोगी है जो 40 नंबर का पूछेगा। अब देख लीजिए ये टोटल मिलाकर के आपको टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 150, यहाँ पर 150 मिनट भी समझिए, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट कहता है कि इंटरव्यू राउंड विल बी ऑफ 16 मार्क्स, यानी कि 60 मार्क का आपका इंटरव्यू भी होगा। अब देखिए रेशियो प्रोपोर्शन इसका क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट विल रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। कह रहा है द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी, यानी कि इतना का रेशियो रहना चाहिए, यानी कि 150 क्वेश्चन में आपको 85 मार्क्स होनी चाहिए और 60 में से 15 मार्क्स होना चाहिए। ये रेशियो अगर है तो आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई है। मेरिट लिस्ट की बात तो बाद की बात है, क्वालिफाई के लिए ये है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है KBS TGT हिंदी इंग्लिश संस्कृत साइंस मैथ्स सोशल साइंस सिलेबस। अब इसका सिलेबस आप देख लीजिए क्या क्या सब पूछता है, सारा कुछ आ ही गया इसमें। इसके बाद आ गया इसमें KBS TGT टीचर एग्जाम। अब यहाँ पर है HEWEAE फिजिकल में, तो ये उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा। जनरल इंग्लिश 10 नंबर, जनरल हिंदी 10 नंबर फिक्स ही है। उसके बाद है जनरल नॉलेज करंट अफेयर, इससे 10 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा, 10 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर का, कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर का, और कंसर्न सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से हैं, यानी कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने वाले हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको। कह रहा है कि इंटरव्यू राउंड विल बी 60 मार्क्स, यानी कि 60 मार्क का आपका इंटरव्यू होगा, और इसका भी जो है